है गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिकलिस गाइस आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैंडल वैक्स से हम बेबी लिप कैसे बनाएं इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है इसके लिए आप एक कटोरी ले लीजिए और लेना है हमें कैंडल यानी कि मोमबत्ती मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हमारे पास बीज वैक्स नहीं है तो हम कैसे लिपस्टिक बनाएं तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैंडल वैक्स का यूज़ किया है तो अब आप कैंडल ले लीजिए और उसको छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए क्योंकि हमें इसको मेल्ट करना है और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा कोकोनट ऑयल ये वाला जो ऑयल होता है ये जमता नहीं है बिल्कुल इसलिए मैंने ये ऑयल लिया है क्योंकि मैं पहले से ही इसमें बीज वैक्स ऐड कर रही हूँ अब मैं वन टीस्पून के करीब एलोवेरा ऑयल ले ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लिपस्टिक तो आप कोई भी ओल्ड लिपस्टिक ले सकते हैं जिसका शेड आपको चाहिए तो ये रेड कलर की लिपस्टिक है लेकिन मैंने इसको कम क्वांटिटी में लिया है और जब ये इसके साथ मेल्ट होगी तो इसका कलर बिल्कुल बेबी लिप जैसा आएगा अब आप इसको मेल्ट कर लीजिए और उसके बाद आप जिस कंटेनर में इसको रखना चाहें या आप चाहें तो किसी लिप बाम के कंटेनर में भी रख सकते हैं और चाहें तो किसी लिपस्टिक के कंटेनर में भी रख सकते हैं आप अपने पसंद की कोई भी पुरानी लिपस्टिक का शेड इसमें ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें आई शेडो भी ऐड कर सकते हैं और फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए ये जम जाएगी और फिर देखेंगे आपकी इसका शेड और ये जो लिपस्टिक बनी है बिल्कुल बाजार जैसी बनी है देखिए बिल्कुल स्टिक इस इसकी कितनी अच्छी आई है जैसे ये इसकी ओरिजिनल वाली बेबी लिप आती है उसका स्टिक और शेड बिल्कुल ऐसा ही होता है तो देखिए इसका शेड कितना प्यारा आया है बहुत ही अच्छा शेड है इसका तो आप इसको डेली यूज़ में ले सकते हैं और इस लिपस्टिक का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप इसको आसानी से बहुत दिनों तक स्टोर कर कर रख सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर